आपके अपने जीवन में अगर तकलीफें आ रही हैं प्यार में, अगर आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, या आपका पारिवारिक लाइफ खराब हो रहा है, या आपका दाम्पत्य लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप में कोई बीच में आ गया है, आप बहुत भरसक प्रयास करने के बाद अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके अपने जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके रिलेशनशिप लाइफ में, आपकी निजी लाइफ में, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जो आपका सर्वस्व है, जो आपका ही सब कुछ है, वो छोड़कर अगर आपको चला गया है, या आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम में आ रही बाधाएं आपको सता रही हैं, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां आपको जीना सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया और आपको एक ऐसी दिशा दी जाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में प्यार भरती है। प्यार है तो आप हो, प्यार है तो जीवन है, प्यार है तो शायद सांसें हैं, प्यार है तो ही सब कुछ आपको अच्छा लगता है। जिनके जीवन में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, ये बात सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी, हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके प्यार के बीच में, मध्य में कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसे पूरी तरह से नष्ट करने का एक साधन बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं अपने ही स्लीपर से, चप्पल से उसे 5 बार नाम लिख करके इस प्रकार से पीटे, वो जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपकी निजी लाइफ में कोई आ रहा है और कोई कर रहा है परेशान, अगर आप किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, वो चाहे कोई भी हो, आपका अपना निजी हो, परिवार का हो, रिलेशन का हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत परेशान हैं, उससे अगर आप बचना चाहते हैं, तो सत्य मानिए कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है ये। जब हमारे रिलेशन के बीच में कोई आ जाए, जब हमें कोई परेशान करने वाला आ जाए, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे सालों के लगाए हुए बगीचे का फल खाने की कोशिश कर रहा हो, हमारा सर्वस्व नष्ट करने की ओर कोई बढ़ चला हो, कोई हमसे मानो सांसें खींच रहा हो, हमारी ऐसी कंडीशन में प्राण से ज्यादा कष्टदायी सिचुएशन होती है। एक व्यक्ति के प्राण जा रहे हो, दूसरे के सामने ऐसी सिचुएशन हो, शायद प्राण जाने वाले से ज्यादा बड़ी सिचुएशन ये होगी जब कोई थर्ड पर्सन आपके जीवन में आता है और आपसे किसी को छीनने की कोशिश करता है। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसके अपने घर वाले हो, उसके माँ बाप, भाई बहन, माता पिता या यार दोस्त जो भी हो, या कोई थर्ड पर्सन, कोई आपका ही जेंडर का व्यक्ति जो उसे छीनने की कोशिश कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड, उसको जानने वाली या उसको जानने वाला, कोई भी पर्सन ऐसा जो आपके अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, आज आप उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षणों में पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे। आप आज का जो ये उपचार है, जो आज का उपाय है, जो सोल्यूशन है, वो पूरी की पूरी तरह से शास्त्रोक्त है। ये शास्त्रों का वो नियम है जब पहले के राजा महाराजा अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उपाय किया करते थे। पहले के राजा महाराजा अपने शत्रुओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ये व्यवस्थाएं किया करते थे। आज वही साधन, वही व्यवस्था लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। ये थोड़ा तंत्रोक्त है, ये तंत्र का विषय है, इसके लिए थोड़ा आपको साधकी के साथ करना होगा। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सुबह प्रातः काल जब आप उठते हैं, सबसे पहले अपने मुंह में एक घूंट पानी रख लीजिए। क्या करना है आपको? अपने मुंह में एक घूंट पानी रखना है और उस पानी को पहली ही बार में, ना कुल्ला करना है, ना वॉशरूम जाना है, ना कुछ भी करना, उठते के साथ आपको अपने मुंह में कुल्ला पानी रख लेना है और उसको पूरे मुंह में घुमाते रहना, जैसे आप कुल्ला करने के लिए इधर उधर पानी को राउंड कराते हैं, वैसे राउंड कराते रहिए। और जो भी आपका शत्रु है, जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं, जिसे आप बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे बीच से हटाना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि वो पूरी तरह से दूर हो जाए, किसी भी कंडीशन में वो बीच में कभी आए ही ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो उसके उसके मन, अपने ही मन में उसका नाम ले लेके, उसके बारे में सोच कर, चिंतन करके, उसको हेट करने की भावना से उसको दूर भगाने की भावनाएं अपने मन में लाइए और उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते रहिए अपने मन में।
ऐसा कम से कम 1 से 2 मिनट करिएगा, और 2-4 मिनट तक वो जितनी भी आपकी भड़ास है उसे निकाल दीजिएगा उस पानी में ही, अंदर ही रखिएगा मुंह के भी। अब देखिए उसके बाद करना बहुत सार्थक कार्य है। जहां पर भी आप आपका बाथरूम या जहां पर आप पानी गिरा सकते हो, अपने चबूतरे के बाहर, अपने बाथरूम में, अपने बालकनी में, अपनी छत के ऊपर, जहां भी आप पानी गिरा सकते हो, आप कहीं पक्की जगह पर पहले पानी गिराइए, और उसके बाद अपने, अगर आप स्त्री है, लड़की है, तो अपने बाएं चप्पल से, और अगर आप पुरुष है तो अपने दाहिने चप्पल से उसी पानी पर उसके नाम का पहला अक्षर लिख करके 7 बार थपथपाइएगा। अब देखिए ये शास्त्रोक्त व्यवस्था है, और ये थोड़ा तंत्र के साथ मिला जुला करके आपको दे रहा हूं। ये पूरी तरह से सिक्योर है, सुरक्षित है, साइड इफेक्ट से मुक्त है, और इसे आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये काम रविवार, मंगलवार, शनिवार किया जा सकता है। ऐसे दिनों में किया हुआ ये उपाय आपको पहले क्षण से, पहले सेकंड से, पहली बार से बेनिफिट देता है। अब देखो ये किसी भी शत्रु के लिए किया जा सकता है। ये शत्रु चाहे आपका अपना प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा लाइफ में हो, पारिवारिक लाइफ में हो, व्यापार में हो, सांसारिक लाइफ में हो, कहीं आपके किसी भी जीवन में किसी भी तरह से अगर कोई शत्रु है जिसे आप अलग करना चाहते हैं, जिसे आप दूर करना चाहते हैं, जिसे समाप्त करना चाहते हैं, जिसे सबक सिखाना चाहते हैं, जिससे विजयी होना चाहते हैं, जिसको पूरी तरह से जीत लेना चाहते हैं, ये उसके लिए है। क्योंकि देखो शत्रुओं से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, शत्रु ही है जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा या बुरा हो जाता है। आप सत्य मानिए कि पूरी की पूरी कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, मैक्सिमम वो शत्रु वाला जो शब्द है ना उसके आसपास चल रहा है, और ये बहुत बड़ा मुकदमा है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा आडंबर है, बहुत बड़ा प्रपंच है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इससे मुक्त होने के लिए दुनिया में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सत्य मानिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लोग विजयी होने के लिए कितना कोशिश करते हैं, लोग जीतने के लिए हर संभव कोशिश और प्रयास करते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, जीवन में हो, लाइफ में हो, सिचुएशन में हो, रिश्तों में है, संबंधों में हो, प्यार में हो, किसी भी जगह जीत की बात हो, जहां पर जीत की बात है वहां लोग अपनी जान लगा दिया करते हैं। तो आपकी जीत के लिए पूरी तरह से सार्थकता के साथ, पूरी सात्विकता के साथ, पूरा शास्त्रोक्त तरीके से, पूरी विधि विधान के साथ, पर हाँ ध्यान रखिएगा इसके लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी, इसके लिए आवश्यकता होगा आपको और तल्लीन होने की, इसके लिए आवश्यकता होगी और गहराई में उतरने की, इसके लिए आवश्यकता होगी तुम्हें गुरु आदेश की, इसके लिए आवश्यकता होगी तुम्हें मुस्कुराने की, सुंदर बनने की, पानी पीने की। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा, खूब मुस्कुराइए, खूब सुंदर बनिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके अपने जीवन में प्यार है तो सब कुछ है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।